बच्चों को जो चाहिए वो कह नहीं पाते, पर अच्छी चीज का टच उनकी मुस्कान खिलाता है। इसीलिए अपने 0 से 6 साल के बच्चों की शॉपिंग के लिए आइए सिर्फ फर्स्ट क्राई। सागर का पहला मेगा स्टोर फर्स्ट क्राई, जिसका शुभारंभ हो चुका है मकरोनिया सागर में। यहाँ पाइए 20,000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स की वैरायटीज। नियर HDFC बैंक, जबलपुर रोड, मकरोनिया सागर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कई नेताओं के आइकॉन है, लेकिन उनके बेटे को मोदी जी और अटल जी पसंद है। जी हाँ, और यही दोनों नेता उनके आदर्श हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान के आइडियल नेता देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी हैं। कार्तिक चौहान आज सागर जिले की खुरई विधानसभा के मालथौन पहुंचे, जहां उन्होंने मंत्री क्रिकेट कप का समापन किया और विजेताओं और उपविजेताओं को पुरस्कार दिए। मीडिया से बात करते हुए एक निजी होटल के उद्घाटन में कार्तिकेय चौहान ने युवाओं की आवाज़ बुलंद की, कहा कि दुनिया युवाओं की दम पर चल रही है और यह जमाना युवाओं का है। अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में उनका ख्याल है कि जो पार्टी हुक्म देगी उसका पालन करेंगे, वो तो एक छोटे कार्यकर्ता है। और भारतीय जनता पार्टी का कल्चर भी यही है कि ऐसे युवाओं को जो अपना वर्तमान देश के लिए समर्पित करें, उनको बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने दी है, आम जनता को पार्टी उठाती रही है। तो आगे भी निश्चित रूप से युवाओं का भविष्य राजनीति में मध्य प्रदेश में सफल है। आप कितना भविष्य देखते हैं? मैं भविष्य अपने आप को कार्यकर्ता अभी भी मानता हूँ और आगे भी मानता रहूँगा। एक कार्यकर्ता के रूप में मैं अपना भविष्य देखता हूँ पार्टी में। दूसरों के जीवन को बेहतर बनाना, कैसे दूसरों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना, क्योंकि इंसान अपने लिए तो कीट पतंगे पशु पक्षी सब जीते हैं। अगर मानव के रूप में, इंसान के रूप में भगवान ने आपको इस धरती पर लाया है, तो आपका आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आपको तो ख़त्म तो करने दो भैया। मैं अपना आदर्श मानता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी जी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सबसे बड़े नेता के रूप में मैं उन्हें देखा। ठीक, उनके आइडियल नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के साथ नरेंद्र मोदी हैं। राजनीति में बड़े बड़े नेताओं के बेटे आजकल राजनीति में थोड़ा सक्रिय हुए हैं, उसकी वजह है कि भाजपा युवाओं को आने वाले दिनों में आगे ला सकती है। शिवराज सिंह चौहान के बेटे सहज सरल और सादगी भरे हैं, वो अपने पिता के पद चिन्हों पर आगे बढ़ना चाहते हैं। आने वाले दिनों में शिवराज सिंह चौहान के बेटे सहित प्रदेश के आधा दर्जन नेताओं के बच्चों ने सक्रिय राजनीति में हिस्सा लेकर अपना मजबूत दावा भाजपा में पेश कर दिया है। अब लग रहा है कि जमाना भी उनका है और उनके जमाने से भाजपा का जमाना चल सकता है। मनोज तिवारी, सागर एक्सप्रेस न्यूज, मालथौन। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।